नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक बड़ी दुखद खबर मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खुटौना से आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में ललमनिया काम पर जा रहे दो मजदूरों में एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोबारे घायल युवक खुटौना CHC में इलाजरत है। जानकारी के अनुसार खुटौना के ललमनिया OP थाना क्षेत्र के मेहशी चौक से 100 मीटर पश्चिम दिशा की ओर सड़क NH 104 पर गुरुवार की सुबह मजदूरी के लिए जा रहे थे, तभी बाइक की टायर गाड़ी से जबरदस्त टक्कर में दो युवकों में एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है। सड़क दुर्घटना की खबर मिलते ही घटना पर पहुंचे ललमनिया OP थाना अध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने त्वरित ही उपचार हेतु दोनों युवकों को खुटौना CHC भेज दिया, जहां डॉक्टर BM केशरी ने लोकहा थाना क्षेत्र के जामुन चौक स्थित वार्ड नंबर 6 निवासी मंसूर आलम के बड़े पुत्र मोहम्मद मोदीबुल खान को मृत घोषित कर दिया तथा घायल युवक में लोकहा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 निवासी मोहम्मद अताउल्ला के पुत्र मोहम्मद सरफुद्दीन की हालत डॉक्टर ने स्थिर बताई जा रही है, जिसे उपचार के बाद रिलीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रखंड में सुबह घना कोहरा होने की वजह से बीच सड़क पर खड़ी टायर गाड़ी नहीं दिखी और बाइक अनियंत्रित होकर सीधे टायर गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा दो बच्चों को पीछे छोड़ गया है। लोग कहा कि ग्रामीणों ने शोक संवेदनाएं व्यतीत करते हुए बताया कि मृतक के घर की माली हालत ठीक नहीं है और युवक इकलौता काम कर परिजनों का पेट पालता था। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ, क्या कैसे दुर्घटना हुई है? कहाँ जा रहे थे? लोखा से जा रहे थे ललमनिया। किस लिए जा रहे थे? काम करने, राजमिस्त्री का। फिर कैसे दुर्घटना हुई? टायर गाड़ी घुमा दिया अचानक और अनियंत्रित हो गया वहाँ पे। मोटरसाइकिल कौन चला रहे थे? वही चला रहा था चालक। क्या नाम है उसका? मोतीबुल खान। ये लोखा में कहाँ पे घर है उसका? जामुन चौक पे। और आपका नाम क्या हुआ? सरफुद्दीन। आपका घर कहाँ पे है? लोखा चौक पे। अभी आपके पास दो केस आए हैं जिसमें सड़क दुर्घटना का है जी। और एक की मौत हो गई है और दूसरा बताया जा रहा घायल है। जैसे क्या है सर, कुछ जानकारी दीजिए। ये एक एक्सीडेंटल हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। दो केस आया है, एक उसमें एक्सपायर है घोषित, इसमें डेथ हो गया था, डेथ हो गया है। और एक जो है घायल है, उसकी इलाज हो रही है, एक्सरे भी होगा उसका, वो ठीक है, कंसर्स है पूरे, ऑटो पेंजर है। तो ये जो है सर, क्या मतलब तो मौके पर ही मौत हो गई थी या यहाँ ये तो नहीं कर, लेकिन यहाँ पर जिंदा नहीं है, यहाँ पर जिंदा नहीं था। या तो मौके पर हुआ या रास्ते में हुआ। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर विजय मोहन के सिंह, प्रभारी जिला चिकित्सा पदाधिकारी। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।